उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में दरोगा ने जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि दरोगा शराब के नशे में था। उसने गार्डों के साथ मारपीट की और लाइसेंसी हथियार लहराया। घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। यह मामला बिसरख थाना क्षेत्र के पंचशील हाइनिश सोसाइटी का है। रात शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिसकर्मी की पहचान विकास चौहान के रूप में हुई है, जो कि फेस 3 थाना क्षेत्र के पृथला चौकी पर तैनात है। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए दोषी पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दे दिए। डीसीपी हरीश चंद्र ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक सब इंस्पेक्टर का गार्डो से अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये सब इंस्पेक्टर हैं जो पर्थला चौकी में तैनात हैं। ये अपनी पत्नी के साथ महागुण माईगोट सोसाइटी है, वहाँ जा रहे थे। रात्रि में पारिवारिक विवाद के चलते इनके द्वारा पत्नी से भी मारपीट की गई और उसके बाद गार्डों के साथ भी अभद्रता की गई। इस प्रकरण को जो है पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया और तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित कर दिया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।